खबर दिल्ली से है। अब दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव पर कोर्ट का नोटिस लगा है जिसको तोड़ा जाना है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक ने ऐलान किया है कि भाजपा बुलडोजर का डर दिखाकर धन उगाही कर रही है। इस अत्याचार और गुंडागर्दी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी हर वार्ड में पदयात्रा निकालेगी। इनके सारे नेता पूरी की दिल्ली के अंदर घूम घूम। नमस्कार साथियों, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में खूब बदमाशी की। दिल्ली की जनता इनसे बहुत नाराज थी, इसके कारण इन्होंने दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं कराए, चुनाव से भाग गए। लेकिन पिछले 2 दिनों से इन्होंने एक नई बदमाशी शुरू कर दी पूरी दिल्ली के अंदर। इनके सारे नेता पूरी की दिल्ली के अंदर घूम घूम के एक एक गली में एक एक घर में जाके कह रहे हैं, पैसे दो वरना तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आपको भी पता है, एमसीडी अगर अपने पे आ जाए तो हर घर के अंदर, दिल्ली के अंदर हर दुकान के अंदर कोई ना कोई कमी है। अगर एमसीडी चाह ले तो सबके घर गिरा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा रही है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने के प्लानिंग में है। ये एक एक घर में जाके उगाही कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं। इसलिए कल 24 अप्रैल को पूरी दिल्ली के हर एक वार्ड के अंदर हमारे कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे और एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे और पूरी दिल्ली को संगठित करेंगे कि हम इनके खिलाफ लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्टाचारी की, भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडई के खिलाफ हम लोग लड़ सकें।